नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक के ग्राम त्रिकौलिया के प्रमुख मार्ग पर जलभराव होने और निकासी की व्यवस्था ना कराए जाने से बरसात के दौरान ग्रामवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 10 सालों से मार्ग पर जलभराव की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं किया गया। वहीं समस्या को कई प्रधानों के सामने भी रखा गया, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें, जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते मार्ग पर बने रहने वाले गंदे पानी से परेशान ग्रामीणों ने लाचार व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। दादा, क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? अच्छा दादा, ये आपके वहाँ जो है ये मार्ग पर जल भराव की समस्या कब से है? करीब 4-5 साल हो गए। अयोध्या मंदिर बनाए हैं, प्रधान लोग जो प्रधान आओ तो बस का जीतन जनों बस बनाए दिन। अच्छा, हर बार आप जो प्रधान बनता है उससे आप ये बात रखते हैं मार्ग बनवाने की? पहले कहते कि भैया वोट लियो तो बनाओ ही का, लेकिन ना वो पहले खुद नहीं बनाते हैं, वादा कर लेते हैं, जीतने के बाद मुकर जाते हैं। दादा, क्या नाम है अपना? गोविंद। गोविंद प्रसाद, कहाँ के निवासी हैं? त्रिकौलिया। अच्छा दादा, ये आपके वहाँ जल भराव की जो मार्ग पे जल भराव है इसकी कब से समस्या है? कम से कम 10 साल से ऊपर। अच्छा, इसके लिए आप जो है हमेशा ही सर यहाँ गांव के जो जिम्मेदार हैं प्रधान सेक्रेटरी या अन्य जनप्रतिनिधियों से इनसे मांग नहीं करते हैं क्या? मांग करते हैं, वो लोग कहते बन जाएगी बन जाएगी। अच्छा अच्छा, जैसे तो प्रधान आए मेरे पास इलेक्शन होगा तुरंत हम काम शुरुआत कर देंगे। अच्छा, तो इस पे कितने फुट तक जल भराव बरसात के दौरान रहता है? कम से कम यहाँ पे 1 फुट है, आगे 2-2, 3-3 फुट। तो फिर निकलते कैसे हैं? सब ऐसे निकलते हैं। लखीमपुर खीरी से केकेडी न्यूज संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट। बांदा के खपटिया कला सिद्धपीठ गढ़ीदाई मंदिर के विशाल प्रांगण में 9 दिवसीय रामकथा का शुभारंभ जगन्नाथ पीठाधीश्वर राघवदास अयोध्या द्वारा किया गया, जहां रामकथा के दूसरे दिन के अवसर पर बोलते हुए कथा व्यास जगन्नाथ पीठाधीश्वर राघवदास ने कहा कि भगवान की प्राप्ति के लिए संतों का होना परम आवश्यक है। साथ ही महाराज ने राम रावण युद्ध की चर्चा करते हुए कहा कि रावण भगवान राम को दुश्मन मानता था, लेकिन मन से यही कहता था कि दुश्मन हो तो राम ही जैसा। भगवान राम ने युद्ध के दौरान रावण को भी मोक्ष प्रदान किया। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि भगवान को जो लोग बैर से भी जपते हैं भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान को खोजा नहीं जाता, भगवान को पहचाना जाता है। आपका क्या नाम है? जगन्नाथ। आपका क्या है पूरा मतलब मामला कि किस तरह की परेशानी हो रही है आपको? घर में पानी गुजरा है क्या? फसलें पूरी बर्बाद हो गई। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। एटा के थाना पिलवा क्षेत्र के गांव बमनई में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 35 साल के व्यक्ति का शव छत पर पड़ा मिला, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया, जहां मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार व्यक्ति की गर्दन में चाकू लगने से उसकी मौत हुई है। आपको बता दें, मौके पर एएसपी ओपी सिंह जांच में जुटी हुई हैं और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है। सर, थाना पिलुआ क्षेत्र में एक व्यक्ति की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई, क्या मामला, क्या कार्रवाई हुई है? ये थाना पिलुआ ग्राम बमनई है, जहाँ पर आज रात 3:30 के आसपास खेमकम नाम का व्यक्ति छत पर अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। एक व्यक्ति द्वारा रात में अटैक किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई है। इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया अज्ञात के विरुद्ध और पुलिस विवेचना कर रही है। शीघ्र ही अभियुक्तों पता लगा कि कार्रवाई की जाएगी। मैं आपका कहाँ रहते हो आप? बमनई। क्या घटना हुई है इनके साथ? घटना हुई थी 2:30 बजे के समथिंग, इनकी गर्दन से किसी ने चाकू मारा, ये अब ऐसे उनके पड़े हुए मिले थे, कमरे में पड़े हुए मिले, नहीं छत पे थे, छत पे ऊपर गर्दन में चाकू लगा हुआ है। गर्दन पे चाकू लगा। आपने कोई रंजिश संजिश थी क्या इनकी? रंजिश किसी से नहीं। पुलिस को सूचना दे दी आपने? दे दी।
एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया, और खबरों की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।